फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की जो तो आज हम कम्बाइंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे सभी तरह के कंटेंट से होंगे तो उसमें आपको हर तरह के जो चैप्टर्स होते हैं आपके रीजनिंग में सब चैप्टर्स से यानी कि आपको एक कम्पलीट पेपर मिलेगा जिसमें हर तरह के क्वेश्चन होंगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक

ठीक है उसी हिसाब से अगर हम करें फोर्टीन इंटू अब यहाँ पर फोर्टीन इंटू टू करेंगे ठीक है कितना होगा फ्रेंड्स फोर्टीन इंटू टू 28 और 28 में अगर हम प्लस कर कर देते हैं तो कितना निकल कर आएगा 31, देखिए 31 हम तो दो हमने ऐड किया उसके बाद हमने तीन ऐड किया अब हम कितना चार ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर आना चाहिए हमारा सिक्स लेकिन यहाँ पर जो आंसर गिवन है वो है हमारा फोर यानी कि ये हमारा गलत है सिक्सटी सिक्स आना चाहिए अब फ्रेंड्स अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये वाली जो हम ट्रिक लगा रहे हैं ये हमारे ठीक है या नहीं तो आप ऐसा करिए इस 66 में अगेन मल्टीप्लाई कीजिए 2 का कितना हो जाएगा 12 132 प्लस अब यहाँ पर आपने 4 ऐड किया था इसमें आप 5 ऐड करके देखिए तो देखिए कितना आ जाएगा 137 यस yes, अगेन 137 हमें यहाँ पे किविन है तो फ्रेंड्स यानी कि ये ट्रिक हमारी सही है और 64 जो है वो यहाँ पे गलत दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी इसका जो कॉन्सेप्ट है और आपको आंसर मिल गया होगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं अब इस क्वेश्चन में देखिए बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है लड़की उस आदमी से किस प्रकार का संबंधित है तो फ्रेंड्स देखिए इसने क्या कहा इस आदमी ने जैसे कि मान लीजिए ये आदमी है ठीक है वह मेरे पिता की मेरे पिता उसके पिता उसके कौन हो गए फादर की पत्नी यानी कि उसकी मदर हो गई पत्नी के पत्नी के इकलौते पुत्र ठीक है इकलौते पुत्र उसका सन हो गया कि पुत्री है है ठीक यानी क्या हो गई डॉटर ठीक है उसकी डॉटर हो गई तो इस हिसाब से वो लड़की उसकी क्या हुई तो इस हिसाब से इकलौते पुत्र बोल रहा है तो यानी कि वो उसकी पुत्री हुई ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ठीक है क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है मेरे पिता के पत्नी यानी कि उसके माता पिता हो गए क्योंकि वो बोल रहा है इकलौते पुत्र तो वही उसके माता पिता है की पुत्री है तो यानी कि वो उसकी पुत्री हो गई तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी यहाँ हैं सुरेश कौशल मधुर अमित और रमेश पांच मित्र है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए सुरेश कौशल से छोटा है सुरेश जो है कौशल यहाँ लिखिए सुरेश किससे छोटा है कौशल से यानी कि कौशल बड़ा है किंतु रमेश से लंबा है तो अब रमेश से लंबा है तो रमेश और यहाँ आ गया सॉरी आर रमेश यहाँ आ गया मधुर सबसे लंबा है तो मधुर सबसे लंबा है तो मधुर को सबसे आगे रखेंगे यानी कि अभी तो हमारे पास ये आ, कौशल था यही लंबा था तो इससे आगे हमने क्या रख दिया मधुर को रख दिया ठीक है अमित कौशल से छोटा है अमित जो है अब वो कौशल से छोटा है ठीक है लेकिन सुरेश से बड़ा है ये हमारा सुरेश है ये कौशल है तो यानी कि बीच में हमने यहाँ पे कौन रख दिया अमित ठीक है यानी कि अमित कौशल से छोटा है और सुरेश से बड़ा है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर सी रमेश तो यहाँ पे ऑप्शन सी रमेश हमारा यहाँ पे राइट आंसर है आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस आंसर में नेक्स्ट आते हैं दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता जैसे कि हिस्टोरिकल तो फ्रेंड्स हिस्टोरिकल में देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ई एस दिया हुआ है ई एस हमारा हिस्टोरिकल में नहीं है गिवन ठीक है सी बी एच एस हाँ, हम हाँ, यस हमारा गिविन नहीं है अगर हम यहाँ पर बात करें चेरी की तो फ्रेंड्स चेरी हमारा यहाँ पे बन सकता है चार्ट भी भी बन सकता है, भी बन सकता सकता है है चाउस तो फ्रेंड्स जो नहीं बन सकता वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि इसमें ई e एस दिया हुआ है हिस्टोरिकल में ई e एस हमारा कहीं भी सॉरी ई e हमारा कहीं भी गिविन नहीं है एस तो है ई हमारा गिविन नहीं है इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ठीक है नेक्स्ट आते हैं कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक निर्धारित अंक दिया गया है इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनमें से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों से सही क्रम को फिर हमें विकल्प में दर्शाना है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम अगर सही तरह से देखें दिया हुआ है हमें एल आर टी ओ ए आई तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें टी एल ओ आर यस टेलर टी हो गया ए हो गया आई हो गया एल हो गया ओ हो गया आर हो गया यस yes. हमारा ये टेलर बनकर आ गया अब देखिए फ्रेंड्स टेलर के लिए टी के नीचे क्या दिया हुआ है थ्री ए के नीचे क्या दिया हुआ है फाइव आई के नीचे सिक्स एल के नीचे वन ओ के नीचे फोर एंड आर के नीचे टू तो देखिए फ्रेंड्स थ्री फाइव सिक्स वन फोर टू यस ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ठीक है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा आपको पहले से अरेंज करना है एक स्पेलिंग में यानी कि एक आउटपुट स्पेलिंग होनी चाहिए फिर उसके नीचे जो नंबर्स हैं, उनको वहाँ पे आपको प्लेस करना है और फिर यहाँ पे दिखाना है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं यदि फायर बुड को एक कूट भाषा में एरिफ डुफ लिखा जाए तो उस कूट भाषा में फ्रैक्शन किस तरह से लिखा जाएगा तो फ्रेंड्स पहले तो फायर बुड देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है ठीक है एफ आई आर ई डब्ल्यू डबल ओ डी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ई e. यानी कि फोर्थ नंबर फर्स्ट पर आया आर सेकेंड आई ए यानी कि इन स्पेलिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फोर फोर नंबर में और फिर उसको उनका क्रॉस से यहाँ पर मिस प्लेस किया गया है डी लास्ट है तो पहले रख दिया ओ ओ ठीक है तो फ्रेंड्स अगर हम देखें फ्रैक्शन एफ आर ए सी टी आई ओ एन इसको भी डिवाइड कर दो फोर नंबर में तो पहले क्या आएगा सी लास्ट में जाएगा एफ फिर आएगा ए फिर आएगा, आएगा आर सी ए आर एफ सी ए आर एफ ठीक है और इधर K एफ N एन ओ सी R एफ फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए आई गिवन नहीं है तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत है ठीक है ऑप्शन ये हमारा सी सही होता लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था ओ आई टी आई यहाँ पर गिविन नहीं है तो इस ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि ऑप्शन गलत हैं तो आपको आंसर मिल जाएंगे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता एंड ये भी नहीं हो सकता होना चाहिए हमारा सी लेकिन यहाँ पे आई गिविन नहीं है तो आप अगर सी पे टिक करेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं टिक करेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि उन्हों, इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं वही गलत है तो आप बिल्कुल भी डरिएगा मत तो आप इसको आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में ठीक है नेक्स्ट है यदि रैकेट को एक कूट भाषा में एट वन थ्री फाइव टू फोर लिखा जाए तो उस कूट भाषा में ट्रैक को किस प्रकार लिखा जाएगा तो फ्रेंड्स देख लीजिए रेट को यहाँ पे इन्होंने एट वन लिखा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं आपको जाने की जरूरत नहीं है आप अगर ऐसे भी लगाएं ए हमारा नंबर पर आता है सी हमारा यहां पर आता है थ्री नंबर पर लेकिन आर तो फ्रेंड्स नंबर पर नहीं आता है तो ये वाली ट्रिक हम नहीं चलाएंगे हम डायरेक्ट जो नंबर गिवन है उसी में देख लेते हैं तो देखिए टी पर क्या दिया हुआ है फोर तो हमने फोर ले लिया आर पर क्या दिया हुआ है आर पर दिया हुआ है एट हमने एट ले लिया ए पर क्या दिया हुआ है वन सी पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर थ्री तो हमने थ्री ले लिया के पर क्या दिया हुआ है के पर दिया हुआ है इन्होंने फाइव तो हमने फाइव ले लिया तो देखिए फोर एट वन थ्री फाइव होना चाहिए तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया राइट right आंसर हो गया फोर वन एट थ्री फाइव ठीक है तो ऑप्शन यहाँ पे सॉरी सॉरी फोर एट वन थ्री फाइव की बात कर रहे हैं तो ये ऑप्शन डी होगा ठीक है फोर एट वन थ्री फाइव तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी नहीं है सॉरी फ्रेंड्स डी है हमारा राइट आंसर ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फोर है ठीक है फोर और नाइन तो देखिए फ्रेंड्स फोर और सिक्स का यहाँ पे प्लेस बदला गया है है उसी तरह से seven, three, में और का प्लेस बदला गया है, तो उसी से अगर हम देखेंगे तो ये होना, होना चाहिए तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है नाइन एट फोर ठीक है बहुत सिंपल है आप इजिली कर लेंगे नेक्स्ट है दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा uh, इस चिन्ह को प्रस्तावित करने के लिए गणितज्ञ चिन्हों का सही क्रम बताइए तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो फिफ्टीन फिफ्टीन देखिए तीन दे रखा है यहाँ पे फाइव कैसे आएगा तो हम फाइव किस तरह से ला सकते हैं ऐसे कर सकते हैं फिफ्टीन इंटू थ्री माइनस फाइव फिफ्टीन इंटू थ्री माइनस फाइव कितना होता है दी गई संतुलित करने और उनको प्रस्थापित करने के लिए गणित के चिन्हों का सही क्रम चुनना है ठीक है तो फिफ्टीन इंटू थ्री माइनस फाइव करके हम यहाँ पर कर सकते हैं इक्वल टू ट्वेंटी माइनस टू तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए ये कितना आएगा हमारा एट्टीन और फिफ्टीन में अगर हम थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फोर्टी फाइव सॉरी वो ये फोर्टी आएगा सॉरी सॉरी ये फोर्टी आएगा और फोर्टी फाइव है ये उसमें 5 का करेंगे तो ये कितना आएगा 14, तो 14 equal to 14 हो गया ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स अगेन हम इसको फिर से कर लेते हैं सॉल्व फिफ्टीन इंटू थ्री कितना होगा फिफ्टीन इंटू थ्री यहाँ पर हमारा फोर्टी फाइव और अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे फाइव तो कितना आ गया फोर्टी सेम उसी तरह से ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी कितना हो गया ट्वेंटी इंटू टू फोर्टी तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट right आंसर होगा ठीक है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास टाइम हो तभी करिएगा पहले अपना और जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत सिंपल चीज होती है लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रेशर की वजह से हाँ हम लोग वो सारी चीजें ध्यान नहीं रख पाते हैं ठीक है थीके? तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को लास्ट में कीजिएगा क्योंकि ऐसा हो ना हो कि आप इसी क्वेश्चन में लगे रहें और आपका टाइम निकल जाए और जो इजी क्वेश्चन दिए हुए विकल्पों में से कौन से चिन्हों का अदल बदल दिए हुए गए समीकरण को सही उत्तर देना है अब देखिए फ्रेंड्स प्लस यहाँ पर हमें साइन चेंज करने हैं ट्वेंटी फोर में अगर फ्रेंड्स डिवाइड करें हम सिक्स का तो कितना होगा फोर आएगा फोर में अगर हम थ्री का प्लस करें तो यहां पर हमारा कितना निकल कर आ जाएगा सात ठीक है तो अगर हम इसको hmm. एक मिनट हम फिर से करते हैं ट्वेंटी फोर में डिवाइड करेंगे अगर हम सिक्स का और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे थ्री फिर अगेन हम उसमें प्लस करें थ्री का और माइनस करें वन तो आएगा फोर्टीन यस yes, ये सही है बिल्कुल हमारा देखिए ये जो साइन है डिवाइड और प्लस का हमें सिर्फ इसको चेंज करना है बाकी किसी साइन को चेंज नहीं करना है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस है तो हमें इसको डिवाइड करना है तो ट्वेंटी फोर को डिवाइड करेंगे अगर हम सिक्स से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री ठीक है सिक्स फोर जा कितना होता है ट्वेंटी फोर तो फोर इंटू थ्री आ गया कितना हो गया बारह ठीक है जी बारह निकल कर आ गया अब बारह में ये यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो उसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना है तो बारह में प्लस हमने किए तीन कितना हो गया पंद्रह पंद्रह में एक है तो उसमें माइनस करेंगे वन तो कितना हो गया चौदह तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर हमें लुप्त तो संख्या ज्ञात करनी है ठीक है एट सेवेंटी टू नाइन देखिए फ्रेंड्स ईजिली दिख रहा है एट में अगर नाइन का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा सेवनटी टू सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे इलेवन में तो कितना निकल कर आएगा या फिर इलेवन का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 66 निकल कर आया तो उसी हिसाब से अगर हम नाइन का मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स में तो हमारे कितना निकल कर आएगा फिफ्टी फोर ठीक है तो देखिए ऑप्शन डी हमारा फिफ्टी फोर है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देखिए ये हमने इजिली देख कर पता कर लिया कुछ क्वेश्चन हम इजिली देख के पता कर सकते हैं फ्रेंड्स बस आपको क्यूब स्क्वायर ये सब आपको पता होने चाहिए ठीक है और आपको टेबल आने चाहिए जो कि कॉमन है आप सबको आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो आपको अब तक आ गए होंगे ठीक है अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई करें चार को तो कितना होगा बारह बारह में अगर इस दो को ऐड करें तो कितना हो जाएगा चौदह ठीक है उसी हिसाब से अगर सात से मल्टीप्लाई करें तीन को कितना होगा इक्कीस इसमें चार ऐड करें तो कितना हो जाएगा पच्चीस उसी हिसाब से अगर हमें यहाँ पर देखना है कि हमें नाइन में हम कितने का मल्टीप्लाई करें और उसके बाद सिक्स ऐड करें तो हमारा निकल कर आएगा फोर्टी टू तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए फोर्टी टू में आप माइनस कर लीजिए सिक्स तो आपका कितना निकल कर आएगा थर्टी सिक्स और नाइन के टेबल में थर्टी सिक्स कितनी टाइम आता है फोर टाइम यानी कि आप जब नाइन में मल्टीप्लाई करेंगे फोर का तो आपका आएगा थर्टी सिक्स और इस थर्टी सिक्स में इस सिक्स को प्लस करेंगे तो आपका आएगा फोर्टी टू तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर फोर तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा फोर राइट आंसर है ठीक है नेक्स्ट आते हैं एक्स दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाए फिर बाएं फिर दाएं मुड़ता है अब है किस दिशा में जा रहा है तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि एक्स है हमारा ठीक है वो दक्षिण चला उसके बाद दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, ठीक है तो वो यहाँ पर है ये हमारी उत्तर दिशा है ये दक्षिण दिशा है ये, ये पूर्व दिशा है तो यानी कि वो पश्चिम और दक्षिण के बीच में है ठीक तो है थीके? तो देखिए दक्षिण पश्चिम यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी में गिवन है ठीक है तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोला जा रहा है वह किस दिशा में जा रहा है ठीक है तो फ्रेंड्स वो तो पश्चिम की दिशा में जा रहा है इसलिए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम ना होकर पश्चिम दिशा होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ये पूछा है किस दिशा में जा रहा है किस दिशा की तरफ है अगर ये होता तब भी हम एक बार को मान सकते थे लेकिन यहाँ पे दिशा पूछा जा रहा है तो वो दिशा में जा रहा है पश्चिम की तरफ तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं कल्पना ने बिंदु बी कल्पना ने बिंदु बी ने सीधे बिंदु सी तथा आठ फीट की दूरी तय की यह बाई ओर मुड़ी और पांच फीट चली फिर बाईं ओर मुड़ी और सात फीट चली अंत में वह दाईं ओर मुड़कर पांच फीट चली वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है तो फ्रेंड्स एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि कल्पना ने पहले बिंदु बी पर चली ठीक है ये बिंदु क्या हो गया बी बिंदु बी ने सीधे बिंदु सी तक आठ फीट की दूरी तय की यानी कि ये आठ फीट हो गई ये बिंदु सी हो गया ठीक है फिर उसके बाद क्या है वो बाई और मुड़ी और कितना पांच फीट चली ठीक है ये पांच फीट हो गया फिर वह दोबारा से कहा मुड़ी बाई और मुड़ी और सात फीट चली यानी कि ये हो गया उसका सात फीट अंत में वह दाई और मुड़कर पांच फीट चली अंत में वह कहनी दाईओर मुड़ी और पांच फीट चली

चिन्ह लगाए एम ए बी एड एम ए बी एम ए बी या एम ए अब देखिए इसमें से जो ऑप्शंस करेक्ट है डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शन बी एम ए बी यानी कि सब में ये साइन लगेगा नेक्स्ट है घनिष्ठता मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दांत काटी रोटी नेक्स्ट है शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द बताइए ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है साक्त किसी मत का सर्वथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है तो यहाँ पे राइट आंसर है ए आदि प्रवर्तक नेक्स्ट है मूर्ख धनवान किस लोकोत्ती को चरितार्थ करता है तो ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो बी राइट आंसर होगा आख का अंधा गांठ का पूरा यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती किस प्रकार का वाक्य है तो यहाँ पे यह है संकेत वाचक वाक्य नेक्स्ट है तीन वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है राइट आंसर है बी भगवती चरण वर्मा राधा का पर्यायवाची क्या होगा ऑप्शन बी राइट आंसर है ब्रजरानी नेक्स्ट है निष्कर्षता रो धोकर जीने से बेहतर हंस बोलकर जीना ऑप्शन यहाँ पे देखें तो सी राइट आंसर है निष्कर्षता भारत के सम भारत है मैं कौन सा अलंकार है राइट right आंसर है बी अन्वय जल प्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया ऑप्शन की बात करें तो ए राइट आंसर है आह्लाद अब यहाँ पे हमें संधि का नाम बताना है दयानंद में किस तरह की संधि है बी राइट आंसर है दीर्घ संधि कपीश में कौन सी संधि है अगेन राइट आंसर है बी दीर्घ संधि नेक्स्ट है पटपति मानहु तड़ित रुचि सुचिव नौमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है राइट right आंसर है ए उपमा अलंकार होता है राइट right आंसर है ए रोब होना नेक्स्ट है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो ऑप्शन सी राइट आंसर है मिश्रवाक्य नेक्स्ट है अंटी मारने का क्या अर्थ होता है तो अंटी मारने का मतलब यहाँ पर होता है कम तोलना नेक्स्ट है तलवार की धार पर चलने का क्या अर्थ होता है तो इसका मतलब होता है कठिन कार्य करना ऑप्शन डी राइट आंसर है नेक्स्ट है बादल राग किसकी लंबी कविता है तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है निराला की नेक्स्ट है सिस्ट का विलोम शब्द क्या होगा इसका राइट right आंसर होगा सी असिस्ट विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है right answer है बी शरत नियन, के फेर में पढ़ने का क्या मतलब होता है आंसर right नहीं है नेक्स्ट है विद्या प्लस अर्थी किसकी संधि विच्छेद है तो विद्या प्लस अर्थी की बात करें तो यह संधि विच्छेद है विद्यार्थी की ऑप्शन बी राइट आंसर है उद्दात का वि विपरीतार्थक क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा डी उत्थान नेक्स्ट है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा तो सज्जन का संधि विच्छेद यहाँ पे बात करें तो होगा सत प्लस जन ऑप्शन बी राइट आंसर है नेक्स्ट है चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है राइट आंसर है बी कर्मधारय नेक्स्ट है, है वाक्य के घटक कौन-कौन से होते हैं अगेन ए राइट आंसर है उद्देश्य और है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द है तो ऑप्शन सी राइट कौन सा पर्यायवाची है विवाह का कौन सा पर्यायवाची वाची है इसमें से हमें बताना है ए है परिणय नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रस और भाव का चयन करना है शांत रस का स्थाई भाव क्या होता है अगेन मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूं आपको पता होना चाहिए ऑप्शन डी निर्वेद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं ऑप्शन इसका राइट right आंसर है डी वीर के विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है इसका राइट right आंसर है सी अद्भुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलक अरे में नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर है वत्सल नेक्स्ट है जान बुझ कर मुसीबत में पढ़ना किस मुहावरे का यहाँ पे सही अर्थ है तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ए आग में कूदना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रहीम निम्न में से कौन सा एक छंद का उदाहरण नहीं है तो देखिए यहाँ पे रूपक छंद का उदाहरण नहीं है रूपक होता है अलंकार दोहा सोठा वर्वे सारे छंद के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर हमें अलंकार बताने हैं तो देखिए उसी तस्वीर तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये है प्रतीत यानी कि वो तपस्वी देवदार की तरह देवदार का जो वृक्ष होता है उसकी तरह प्रतीत हो रहे थे तो यहाँ पे प्रतीत अलंकार है नेक्स्ट है कुंद इंदुसन, देह, उमार, रमन, वरुण अमन में कौन सा अलंकार है तो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार है इसमें उपमा दी गई है एक दूसरे को नेक्स्ट है तुम इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा सही शब्द का चयन कीजिए देखिए पारिश्रमिक यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है हमें यहाँ सही बताना है कि सही किसी तरह से लिखा जाएगा तो देखिए डी राइट आंसर है पारिश्रमिक तृप्त स्वामिनी के रचयिता कौन है तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है ए प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थाई भाव है तो इसका राइट आंसर है डी जो कि है वात्सल्य नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से भेद नहीं है तो देखिए रचना की दृष्टि से बात करें तो विदेश नहीं, नहीं है नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या क्या होती है मैं आपको करा चुकी हूँ प्लीज ट्वेंटी डे सीरीज एक बार जरूर देख लीजिएगा मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी तो आप गूगल पे अगर ट्वेंटी डे सीरीज डालेंगे तो आपको मिल जाएगा नहीं तो प्लीज एक बार जाके आप गो थ्रू कर लीजिए एट्टी एट जो आपको मेरी सारी वीडियो मिलती हैं उसमें यहाँ पर एक नंबर लिखे होते हैं तो आप जब 88 एट नंबर की वीडियो से पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको ट्वेंटी डे सीरीज मिल जाएंगी प्लीज मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ स्किप मत कीजिएगा एक बार जरूर देख लीजिएगा वहां पे ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं राइट right आंसर है दो अयोगवाह दो होते हैं अब वो कौन कौन से हैं प्लीज ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि, कि कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है ठीक है इससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा तो ये आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा और मेरे लिए भी नेक्स्ट है दिए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प कन्यादान में कौन सा समास है कन्यादान में है तत्पुरुष समास साग में कौन सा समास है तो देखिए सागपात की बात की जा रही है जहां किसी भी शब्द के बीच में इस तरह का चिन्ह आए या फिर जहा पे और का वर्ड आए साग और ठीक है मीनिंग जब आप संधि विग्रह करें या फिर उसका अर्थ निकालें तो और वर्ड आए या वर्ड आए तो आपको पता होना चाहिए वहां पे द्वंद्व समास होता है आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं द एंड द दोनों क्या है प्रमुख है मेन है सेम उसी तरह से इन दोनों का जो, 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 जो स्थान होता है वो प्रमुख होता है ठीक है और इन दोनों के बीच में इस तरह का शाइन होता है और अगर इसको आप अर्थ निकालेंगे तो और या आ निकल कर आता है जब आप इन हिंदी में इसका अर्थ निकालते हैं नेक्स्ट है वनवास वनवास में आप कौन सा समास है तो ये है तत्पुरुष समास नेक्स्ट है गजानन किसका पर्यायवाची शब्द है गणेश शिव विष्णु ब्रह्मा बहुत ही इजी आप इजीली बता सकते हैं ए गणेश नेक्स्ट है अति मलिन वृष वृष कुमारी अधोमुख रहित उधी नहीं चित्वती ज्यो हारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुमिलाने ज्यो नलनी हिमकर की मारी इन पक्तियों में कौन सा रंग है आ, कौन सा रस है तो यहाँ पर विप्रम श्रृंगार की बात की गई है तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नेक्स्ट एंड एंडी लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का घनश्याम में कौन सा समास है तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कर्मधार समास तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा और ट्वेंटी डे सीरीज को जरूर देख लीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें हमारे कुछ मिक्सअप क्वेश्चन हैं कुछ जीके के होंगे कुछ आपके पॉलिटी से होंगे कुछ आपके साइंस uh, से रिलेटेड होंगे तो आपका ये होंगे जिसके बेसिस पर आपको अपनी जो प्रैक्टिस uh, है या फिर अपनी जो प्रिपरेशन है है वो चेक करनी फर्स्ट क्वेश्चन है एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है धनावेश ऋणावेश कोई आवेश नहीं या फिर कोई विकल्प नहीं तो फ्रेंड्स अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन में जो आवेश होता है वो कौन सा होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स पर ऑप्शन नंबर सी कि इसमें कोई आवेश नहीं होता है तो फ्रेंड्स आपको पता होगा न्यूट्रॉन जो होता है हमारा वो आवेश रहित होता है क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है इसमें किसी भी परमाणु के तीन मौलिक कणों से एक न्यूट्रॉन उदासीन बनता है ठीक है जबकि प्रोटॉन पर एक धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है तो आप लिख सकते हैं धनावेश किस पर होता है धनावेश होता है हमारा प्रोटॉन पर और ऋण आवेश होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पर जबकि न्यूट्रॉन पर किसी भी तरह का कोई भी आवेश नहीं होता है इसलिए क्लियर हो गए होंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है एस्टर मृदु गंध वाले पदार्थ होते हैं एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में होता है एस्टर का प्रकार्यात्मक समूह आर ओ आर है तो अब इसमें ये ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आपको बताने हैं ये कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन जो है, वो हमारे है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो राइट right आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि यहाँ पे जो हमारा वन एंड सेकंड दे रखा है यही करेक्ट है ये जो थर्ड है ये हमारा करेक्ट नहीं है ऑप्शन इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट right आंसर है इसके अकॉर्डिंग क्योंकि फ्रेंड्स जो एस्टर का जो प्रकारात्मक समूह होता है वो आर ओ आर नहीं होता वो किस तरह का होता है आर और फिर हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है फिर सी है फिर उसके बाद आर और ओ आर फ्रेंड्स मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ अगर मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी लेकिन ये इसी तरह से मैंने देखा था और उसको समझा तो ये यह यहाँ पर हमारा ओ होता है उसके बाद डबल बॉन्ड के बाद सी हमारा निकल कर आता है उसके बाद हमारे दो बॉन्ड सिंगल बनते हैं एक आर में और एक ओ आर में तो ये इस तरह का होता है आर ओ आर करके इस तरह का बॉन्ड हमारा नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुल्कतः मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, जो कि भारतीय संविधान के डैश में दिए हुए हैं तो आपको बताना है जो 12 से 35 का जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है तो उसमें कौन सा भाग में वो दिए हुए हैं भाग एक भाग दो भाग तीन या भाग चार में तो फ्रेंड्स से पैतीस तक अंतर्गत इसमें सम्मिलित है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर इसमें हमसे पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान का बाईसवा भाग है उसमें से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाए गए एकमात्र भाग कौन सा है यानी कि पहले 22 भाग थे उनमें से एक गठन के समय हटा दिया गया था तो अब वो बताना है ऑप्शन है फिफ्थ सिक्स सेवेंथ या फिर एट्थ तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेवन यहाँ पर ये सातवा भाग है फ्रेंड्स मैंने आपको ट्वेंटी डे सीरीज की जो क्लास कराई थी उसमें सारे भाग बताए थे तो आपको ये याद होगा कि मैंने फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ

अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि त्वचा मुंह आहार नली रक्तवाहिनी नली का अस्तर फेफड़ों की का तथा वृक्षीय नली आदि सभी प्रकार के उत्तक से बने होते हैं किसके एपिथिलियमी उत्तक संयोजी उत्तक पेशी उत्तक या फिर तंत्र का उत्तक तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एपिथिलियमी उत्तक ठीक है नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है अब हमें बताना है पोषक के स्तर को उठाना कमजोर वर्ग के आर्थिक हित को उन्नत करना वैज्ञानिक मनोदशा को उत्थापित करना या फिर कार्यपालिका से न्यायपालिका को विच्छिन्न करना तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे मूलता संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें हमारा क्या क्या चीजें इंक्लूड अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पर अगर हम आए राइट आंसर पे तो इसके अकॉर्डिंग जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है वो है हमारे वैज्ञानिक मनोदशा को उत्पादित करना तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जबकि पोषण के स्तर को उठाना इसका एक कार्य है कमजोर वर्ग के आर्थिक हित को उन्नत करना ये भी इसका एक कार्य है और कार्यपालिका से न्यायपालिका को विच्छिन्न करना ये भी कार्य है जबकि सी इसका तत्व नहीं है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की संख्या है बारह नौ दस या ग्यारह तो फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं इनकी संख्या की बात करें तो वो यहाँ पे मूल कर्तव्य हमारे यहाँ पर दस हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा है सी वो राइट आंसर है मूल कर्तव्य हमारे दस मूल कर्तव्य हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स आपको पता होगा दसवा जो मूल कर्तव्य था वो क्या था uh, तो फ्रेंड दसवा जो मूल कर्तव्य था वो था हमारा नाइन सिक्सवा संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कि uh, हर बच्चा पढ़े और ये प, पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होगी उनके पेरेंट्स की होगी कि हर बच्चा बेसिक एजुकेशन है वो ग्रहण करे ठीक है नेक्स्ट है सेवेंटी भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य या एक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितनी धनराशि विकासात्मक कार्यों में व्यय कर सकती है तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें अपने संसदात्मक कार्य के अंतर्गत तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि विकासात्मक कार्य में वो कितना खर्च कर सकती है तो यहाँ पे ऑप्शन हैं दस करोड़ पांच करोड़ पचास लाख या फिर बीस लाख तो फ्रेंड्स यहाँ पर करोड़ उसको आवंटित किए जाते हैं कि संविधान है। तो है। है के अनुसार किसी भी राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार कौन होता है महान्यायवादी महान्यायभिकर्ता महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रण अभिकर्ता या फिर महाधिवक्ता तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जब संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं महाधिवक्ता तो ऑप्शन डी राइट आंसर है नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्र प्रतिनिधित्व पाते हैं लोकसभा में राज्यसभा में ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व होता है वो हमारा लोकसभा से भी होता है राज्यसभा में भी तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत में किस संसदात्मक समिति की अध्यक्षता विरोधी दल का एक सदस्य कर सकता है सरकार के आश्वासनों पर समिति प्राकलन समिति विशेषाधिकार समिति या फिर सरकारी लेखा समिति तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सरकारी लेखा समिति यानी कि फ्रेंड्स भारत में जो भी हमारी संसदात्मक समिति की अध्यक्षता होती है विरोधी दल के सदस्य जो करते हैं उसको सरकारी लेखा समिति कहा जाता है यानी कि इसमें फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सरकारी लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है तो इसमें सरकारी लेखा समिति का अध्यक्ष जो उस टाइम पार्टी होगी उसका विरोधी दल का सदस्य सरकारी लेखा समिति का मेंबर बनता है तो इसको इस तरह से घुमाकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आपको हर तरह से इस क्वेश्चंस को याद रखने हैं नेक्स्ट है, है संसद के निम्नलिखित किस गैर सदस्य का संसद में अभिभाषण करने का अधिकार है भारत के महान्याय करता, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के महान्यायवादी या फिर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर गैर सदस्य का जो संसद में अभिभाषण होता है वो अधिकार होता है भारत के महान्यायवादी का तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि निम्न में से कौन किसी विशेष बिल वित्तीय बिल या नहीं का निर्धारण करता है यानी कि कोई भी बिल विशेष बिल है वित्तीय बिल है इसका निर्धारण कौन करता है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ ये हर एग्जाम का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दें अगर उसमें जीके का पोर्शन है पॉलिटिकल पोर्शन है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है उनका फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जामनर का तो फ्रेंड्स ऑप्शन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है है वो ऑप्शन डी ये लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य होता है कि वो बताए कि कौन सा बिल वित्तीय बिल है या नहीं इसका निर्धारण कौन करेगा सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष करेगा नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अध्यक्ष लोकसभा में कब अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग कर सकता है जब भी वह चाहता है जब भी सदन मांग करता है वोटों की समानता की घटना में या फिर तब तक ही जब तक उसका दल चाहता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा वोटों की समानता की घटना में वो अपने आ, मतदान का अधिकार का प्रयोग कर सकता है तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में है कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में उन दोनों सदनों के संयुक्त सभा में कौन अध्यक्षता कर सकता है लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए लोकसभा का अध्यक्ष ठीक है दोनों सदनों के बीच जो भी गतिरोध के मामले होंगे उनकी सदस्यता की अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा नेक्स्ट आते हैं राज्यसभा की आयु कितनी है तो फ्रेंड्स यहाँ पे राज्यसभा की आयु पूछी जा रही है यानी कि जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा में कितने टाइम पीरियड तक रहते हैं दो साल चार साल पांच साल या फिर स्थाई तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा राइट right आंसर है स्थाई होते हैं इनके मेंबर्स का की कोई आयु नहीं होती लेकिन यहाँ पर हर दो साल बाद वो लोग क्या होते हैं वो उनका अग, अग, वो हटते रहते हैं लेकिन उनका जो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो उनका टाइम पीरियड नहीं होता ये परमानेंट हमारा होता है हाउस हाउस परमानेंट भी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इनकी आयु कोई भी निश्चिंत नहीं है इसलिए इसको पर्मानेंट हाउस भी बोला जाता है नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष को निर्वाचित करते हैं संसद के सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप में जनता से या फिर लोकसभा के बहुमत बहुसंख्यक दल के सदस्यों से तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका राइट right आंसर है लोकसभा के सदस्यों से तो ऑप्शन बी पे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर नेक्स्ट आते हैं अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यपालन सर्वाधिक की अवधि के लिए कर किया जा सकता है यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यपालन कितनी अवधि तक कर सकता है चार महीने तक छह महीने तक नौ महीने तक या फिर एक वर्ष तक तो फ्रेंड्स छह महीने उसको दिए जाते हैं वो सिर्फ छह महीने तक राष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यपालन कर सकता है छह महीने की अवधि तक नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त हो तो अगला राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए तुरंत एक महीने में छह महीने में या फिर एक वर्ष के अंदर तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा छह महीनों के अंदर तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या है राइट आंसर है छह महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए अगर राष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त हो या फिर उनका स्थान रिक्त हो तो नेक्स्ट आते हैं भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल हैं एक दो तीन या फिर चार ठीक है तो फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको ट्वेंटी डे सीरीज में कराया था तो फ्रेंड्स यहाँ भी अगर आपने मेरी सारी ट्वेंटी डे दे सीरीज देखी है तो आपको पता चल रहा होगा कि ट्वेंटी डे सीरीज हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर ट्वेंटी डे सीरीज में हमें वो सभी टॉपिक को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं तो एक बार प्लीज जाकर अगर नहीं देखे तो देख लीजिए क्योंकि ट्वेंटी डे सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां से आपके ये सारे क्वेश्चंस इजिली कवर हो जाएंगे आप इजिली उनको कर पाएंगे तो एक बार देख लीजिए वहां पे आपातकाल को ही मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कितने तरह के आपातकाल है इनका टाइम पीरियड बहुत पूछा जाता है कि कौन सा आपातकाल कब होता है पहला आपातकाल कब हुआ था सबसे लंबा आपातकाल कब हुआ था तो ये सारे हमने वहां डिस्कस करे हैं तो एक बार जाके प्लीज उनको जरूर देख लीजिए यहाँ पर इनका राइट आंसर है सी तीन तरह के हमारे देश में आपातकाल होते हैं ठीक है आप एक बार जाके देख लीजिएगा वो कौन कौन से हैं नेक्स्ट है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था आर्कमिडीज़ अल्बर्ट आइंस्टीन नील बोहर या फिर गैलीलियो तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आर्कम्डीज, आर्कम्डीज ने डिस्प्लेसमेंट थ्योरी दी थी तो आप इसको भी याद रखिए नेक्स्ट है।, है गैसों का दबाव निम्नलिखित से से भी। भी जितने भी यहाँ पर आपको पैमाने दिए हुए हैं ये सभी मैंने वहाँ पर साइंस की जो ट्वेंटी डे सीरीज हुई थी उसमें मैंने डिस्कस किया है तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन हमारा ट्वेंटी डे सीरीज से फंस रहा है तो आप एक बार उनको जरूर देखिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर है सी मैनोमीटर ठीक है नेक्स्ट आते हैं किस प्रकार के दृष्टि के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है दूर दृष्टि मोतियाबेन निकट दृष्टि या फिर इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स राइट आंसर है निकट दृष्टि निकट दृष्टि में कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट है गन्ने का रासायनिक नाम क्या है लैक्टोज ग्लूकोज सुक्रोज या फिर स्टार्च तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी सुक्रोज गन्ने का रासायनिक नाम होता है सुक्रोज ऑप्शन सी राइट आंसर है नेक्स्ट है समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है फिल्ट्रेशन वेपोरेशन डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी डिस्टिलेशन से समुद्र से शुद्ध जल की इस क्रिया से हम प्राप्त करते हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है तो फ्रेंड्स पे हमारे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट तो फ्रेंड्स वॉशिंग सोडा के लिए यहाँ पर इसका राइट right आंसर होगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का यहाँ पे रासायनिक नाम है तो ऑप्शन बी यहाँ आते हैं इंसुलिन निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करता है अगेन ये भी हमने ट्वेंटी डे सीरीज में कवर किया है देखिए आपने एक प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन है जो कि हमारे ट्वेंटी डे सीरीज से कवर हो गए थायराइड में आयोडीन स्तर रक्त में लोह का उत्पाद रक्त में शक्कर की स्तर और रक्त में यूरिया का स्तर तो फ्रेंड्स अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन हमारा नियंत्रित करता है रक्त में शक्कर का स्तर को तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन तो जब हम लकड़ी जलाते हैं फ्रेंड्स तो उसके अंदर से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ही हार्मफुल है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग फल है नारियल मूंगफली मटर या फिर गेहूं तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें खाने योग्य फल की तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा ए राइट -right आंसर है ठीक है रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है रेगिस्तान के लिए क्या कहा जाता है तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स जीरोफाइट्स पेरासाइट्स या फिर इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स रेगिस्तान में जो हमारे वनस्पति पाई जाती है उसको कहा जाता है जीरोफाइट्स तो ऑप्शन भी राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है नाइट्रोजन जलवाष्प, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो फ्रेंड्स यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है सीओ टू ओ टू एंड टू या फिर सीओ तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीओ टू यानी कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है लोहा मैग्नीशियम जस्ता या फिर कोवाल्ट तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है लाल हरा पीला या फिर नीला तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल नेक्स्ट आते हैं क्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोस, पायरूविक अम्ल इथाइल एल्कोहल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अम्ल। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पर्ण हरित की भूमिका है जल का अवशोषण करना प्रकाश का अवशोषण करना सीओ टू का अवशोषण करना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अवशोषण करना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है लीव वेस, ब्रंथ पर्ण दल लैमिना या फिर उपरोक्त सभी तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका right राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पर्ण दल नेक्स्ट है ऑक्सी शोसन का अंतिम उत्पाद होता है सीओ टू तथा जल ओ टू तथा जल सीओ टू तथा ओ टू या फिर इथाइल एल्कोहल तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीओ टू तथा जल नेक्स्ट है पौधों में वास्पोर्न वास्पोर्टन की क्रिया में सहायक है कार्क रंध जाइलम या फिर फ्लोएम तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रंध नेक्स्ट है वात्पोर्ट वातपोर्ट सर्जन मापी यंत्र है हाइग्रोमीटर क्रेस्टो क्रेस्कोमीटर पोटोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है वाटो सर्जन मापी जो यंत्र होता है वो हमारा पोटोमीटर होता है नेक्स्ट है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है ऑक्सिन एथिलीन जिब्रिलिन या फिर साइटोकाइनिन तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एथिलीन नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स निम्नलिखित में से वृद्धि रोधक हार्मोन है एसिसिक एसिड एथिलीन ऑक्सिन या फिर एबा बी दोनों तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एबा बी दोनों यानी कि एसिसिक एसिड और एथिलीन दोनों वृद्धि रोधक हार्मोन हैं नेक्स्ट है धान में खैरा रोग किस कमी से कारण होता है जस्ता की कमी से लोहा नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम तो फ्रेंड्स जो हमारा धान में खेरा रोग होता है वो हमारा होता है जस्ता की कमी से तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मोजेक रोग किस पौधे में होता है आलू तंबाकू पालक या फिर केला तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तंबाकू नेक्स्ट है नींबू का साइट्रस क्रैकर रोग किससे होता है कवक जीवाणु विषाणु या फिर फफूंदी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीवाणु नेक्स्ट है किस पौधे से होता है आम आलू केला या पपीता तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा केला नेक्स्ट आते हैं चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है जीवाणु के विषाणु के कवक के या फिर हरे शैवाल के तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट right आंसर है डी हरे शैवाल के नेक्स्ट है पादप रोगों का सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है कवक है जीवाणु है विषाणु है या फिर प्रोटोजोआ है तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट आंसर है कवक फ्रेंड्स आई होप आपको सारी क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे नेक्स्ट है फसलों को कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है अंडा प्यूपा कैटरपिलर या फिर इमेगो तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी कैटरपिलर नेक्स्ट है अग्नि नीरुजा रोग किससे संबंधित है नारंगी से अंगूर से नारियल से या फिर सेब से तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट आंसर है सेब से नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने में लाल सड़न रोग के लिए कवक है। या फिर कोलेटोट्रिकम फाटेकम तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कोलेटो ट्रिकम फाटेकम हमारा गन्ने में लाल सरल रोग पैदा करता है नेक्स्ट है टिक्का रोग किस पौधे में होता है मूंगफली सोयाबीन आलू या फिर गेहूं तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूंगफली नेक्स्ट है लेट ब्लाइट रोग किस पौधे से संबंधित है गेहूं आलू सेब या फिर आम तो फ्रेंड्स ये रोग संबंधित है हमारा आलू से तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया बीवर ने रीटर ने एजी है या फिर केसी है तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी ए सी टन है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी या फिर अपघटक तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी जो कि है शाकाहारी नेक्स्ट है निम्नलिखित में पारिस्थित पारितंत्र का आजीवी घटक है जीवाणु क्लोरेला जल या फिर मानव तो फ्रेंड्स सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है जल नेक्स्ट आते हैं उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं अपशिष्टों को अपघटित करते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो कहे जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी हम कहलाते हैं द्वितीय उपभोक्ता नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है बैक्टीरिया प्रोटोजोआ कवक या फिर हरे पौधे तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी हरे पौधे नेक्स्ट है मुख्य वायु प्रदूषक है सीओ टू सीओ एंड टू या फिर एसओ टू तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे बी सीओ हमारा वायु प्रदूषक है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है मिथेन फ्रियोन CFC या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर है सीओ डू सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको सीओ टू भी बोलते हैं Next question है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषक नहीं वायु प्रदूषण नहीं करती कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड CNG या फिर एबा एबासी तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे डी ए सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और CNG हमारा जो होता है वो वायु प्रदूषण नहीं करती है नेक्स्ट है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है कोयला परमाणु पेट्रोल या फिर सौर तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी नेक्स्ट है औद्योगिक वहस््राव अः से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा अपतरण उपयोगी है पार्थेनियम जलकुंभी हाथी घास या फिर एवासी दोनों तो फ्रेंड्स राइट आंसर डी ए सी दोनों नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है प्लास्टिक डीडीटी पारा या फिर ये सभी तो फ्रेंड्स राइट आंसर सभी प्लास्टिक डीडीटी और पारा ये सारे ही हमारे जैव अक्षयकारी प्रदूषक कहलाते हैं नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है ऑस्ट्रियोलॉजी ओरोलॉजी जियोलॉजी या फिर तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, ऑस्ट्रियोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस से किसके अध्ययन से संबंधित है शिशु महिलाएं त्वचा तो अच्छा या फिर वृद्धि सॉरी वृद्ध तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी वृद्ध से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं चेचक टीबी खसरा या फिर पोलियो तो फ्रेंड्स एडवर्ड जेनर हमारे जुड़े हैं अगर हम राइट आंसर की बात करें तो एक चेचक से नेक्स्ट है रेबीज के टीके की खोज किसने की एडवर्ड जेनर ने लुई पास ने चार्ल्स डार्विन ने या फिर आर्कमडीज ने तो फ्रेंड चेचक की खोज की वो रेबीज की को, टीके की खोज की थी लुई पास ने तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया चार्ल्स डार्विन लुई पास्टर जोसेफ लिस्टर या फिर जोनसी साल्क ने तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण की बात करें तो इसका राइट आंसर है ए चार्ल्स डार्विन ने नेक्स्ट है मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है चालीस चवालीस छियालीस या फिर अड़तालीस तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी छियालीस फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होएगा अभी मैं भी कंफ्यूज हो गई थी देखिए यहाँ पर गुड़सूत्रों की संख्या पूछी है अगर गुड़सूत्रों के जोड़े पूछे जाएंगे तो तेईस आएगा और संख्या है तो छियालीस है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में ग्लाइकोजेन का संचय किस अंग में होता है इसके ऑप्शन नीचे है फ्रेंड्स यकृत में में अग्नाशय में या फिर अमाशय में फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमारा जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन है का संचय है वो होता है तो फ्रेंड्स अगर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये होता है हमारा यकृत में तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है रोग किस रोग का अन्य नाम है पोलियो टिटनेस कुष्ठ या फिर पायरिया तो फ्रेंड्स ये है कुष्ठ का नाम तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है मछलियों में शोषण क्रिया किसके द्वारा होती है फेफड़ा, गिल्स, शल्क या फिर नासिका छिद्र तो फ्रेंड्स ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है मैं ही आपको ये तीन से चार बार क्वेश्चन करा चुकी हूँ क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है तो ये है इसका राइट आंसर बी गिल्स नेक्स्ट है ई का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है गुर्दे की खराबी हृदय की कमजोरी मस्तिष्क की बीमारी या उपरोक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी हृदय की कमजोरी नेक्स्ट आते हैं लैंगर के द्वीप जिनसे इंसुलिन स्त्रावित होता है कहा स्थित होता है अग्नाशय में यकृत में, में या फिर पिताश्रय तो फ्रेंड्स ये हमारा स्थित होता है अग्नाशय में ऑप्शन ए राइट आंसर है तो फ्रेंड्स देखते हैं अकाउंट अब हमें बताना है अकाउंट अकाउंट कौन सा होता है ये पर्सनल अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट होता है रियल अकाउंट या फिर सस्पेंस अकाउंट तो रिलाइजेशन अकाउंट आपने देखा होगा ये पार्टनरशिप के अंदर प्रिपेयर किया जाता है रिलाइजेशन अकाउंट ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है यानी कि नाम मात्र का खाता होता है जब हम आ, जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसका वाइंड अप करते हैं या फिर समापन करते हैं तो उसकी दशा में ये हम रिलाइजेशन अकाउंट पेपर करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन टू हमारा नॉमिनल अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स रिजल्ट यानी कि जो भी पेमेंट किया जाता है क्रेडिटर्स को वो क्या रिजल्ट करता है यानी कि उससे क्या डिसीजन uh, या फिर हम बोल सकते हैं उससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है इंक्रीज़ इन टोटल असेट्स यानी टोटल असेट्स में इंक्रीज हो जाता है डिक्रीज़ हो जाती है टोटल असेट्स इंक्रीज़ हो जाती है टोटल लाइबिलिटीज़ या फिर डिडक्शन एंड टोटल लाइबिलिटीज एंड टोटल असेट्स तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेमेंट की तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज़ तो कम होती हैं साथ में हमारी असेट्स भी कम हो जाती है क्योंकि जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो आपके पास से क्या जाएगा कैश और कैश कहाँ शो किया जाता है ये शो किया जाता है हमारा असेट साइड में तो जब हम कैश अपना थोड़ा जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा कम हो जाएगा तो हमारी टोटल असेट्स में भी कमी आएगी और लाइबिलिटीज़ भी हमारी कम हो रही हैं तो उसमें भी कमी आएगी इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है

देखिए इसका राइट आंसर है यहाँ पे ए हमारा लुकस पैस्वले। लुकस पैस्वले हमारा ल्यूकस ल्यूकस ये डबल एंट्री सिस्टम का लेकर आए थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि की, उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए ठीक है स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट है अब जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो किस नेचर का अकाउंट होता है पर्सनल है एक्चुअल है अनरियल है या फिर नन ऑफ दी अप्रोप्रिएट यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है तो यहाँ पर हम देखें तो पर्सनल अकाउंट हमारा किसको बता रहा है ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक संस्था की में जो भी इन्वेस्ट किया गया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम स्टार्टेड यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली होती है वो कब स्टार्ट की गई थी यानी कहाँ इंडिया में इटली इंग्लैंड या फिर नन ऑफ दिस तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो ये स्टार्ट की गई थी हमारी इटली में ठीक है किसके द्वारा ल्यूकस पैसियोली के द्वारा फोरटीन में ठीक है नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी अकाउंट इज डेबिटेड टू ओरिजिनल प्राइस ऑफ असेट्स इन बायर्स बुक्स एंड द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज डेबिटेड अब यहाँ पर ये क्वेश्चन uh, पूछा जा रहा है कि जो भी धनराशि से कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा यहाँ पे फ्रेंड इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड यहाँ पर ना स्पेस है यानी कि ये फिलिंदा ब्लैंक है ये आपको फिल करना है तो देखिए यहाँ पर जो डेबिट हुआ है ओरिजिनल प्राइस से क्या हुआ है प्रॉपर्टी अकाउंट अब ये बात की गई है बायर की बुक में और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो किस अकाउंट के थ्रू डेबिट किया जाएगा आपको इस फिलिंदा ब्लैंक में फिल करना है इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से इंटरेस्ट डाउट अकाउंट के नाम से सेलर्स अकाउंट के नाम से या फिर ऑल अप्रोप्रिएट तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू जो कि है हमारा इंटरेस्ट डाउट अकाउंट क्योंकि अभी हमें पर पता नहीं है इसलिए यहां पे इंटरेस्ट डाउट अकाउंट के नाम से हम इसको डेबिट कर देंगे ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी अब इसमें से कौन सा मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इजिली बता सकते हैं देखिए डैटर है प्रीपेड एक्सपेंसिज है स्टॉक है परचेज़ है इनमें से जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो है हमारी परचेज परचेज को हम मूवेबल नहीं कर सकते जबकि स्टॉक को हम मूव कर सकते हैं प्रिपेड एक्सपेंसिज भी हमारे मूव हो सकते हैं डाटर्स भी मूव हो सकते डाटर किस तरह से मूव होंगे आप इन डैटर्स को कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और पर्सन के थ्रू ट्रांसफ़र करवा सकते हैं ठीक है यानी कि इसका जो अमाउंट है वो कोई और भी ले सकता है उससे आप ले सकते हैं तो इस तरह से मूवेबल हो सकते हैं लेकिन परचेस मूव नहीं हो सकती ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन फोर हमारा यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल एक्टिविटी अब इसमें से आपको बताना है क्या कॉमर्शियल यानी कि जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं क्रियाएं होती हैं वो नहीं है अ पर्सन अर्न 500 प्रॉफिट्स बाय सेलिंग हिज ओल्ड टीवी यानी कि एक पर्सन ने ₹500 का प्रॉफिट कमाया अपनी पुरानी टीवी को बेचकर एक्शंस ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी के एक्शंस या फिर क्रियाएं रनिंग अप प्रोविजन स्टोर या फिर कुकिंग एंड सेलिंग अ कुकिंग एंड सेलिंग इन अ होटल तो इसमें हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटी नहीं है जिसको हम कमर्शियल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो एक्टिविटी नहीं है क्या ए क्योंकि ये डेली दे, बेसिस का काम नहीं है देखियो इंश्योरेंस कंपनी में एक्शंस किए जाएंगे डेली बेसिस पर रनिंग प्रोविजन स्टोर डेली बेसिस पर हो रहा है कुकिंग एंड सेलिंग इन होटल ये भी डेली बेसिस पर हो रहा है कॉमर्शियल एक्टिविटी में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे होना चाहिए अब टीवी वो उसने एक दिन बेची है वो डेली अपनी ओल्ड टीवी नहीं बेचेगा अगर वो डेली यही काम करता है तो वो उसका बिजनेस बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे और प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज प्लीज और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए स्टार्ट करते हैं देखिए नेक्स्ट है डेबिट इक्वल्स क्रेडिट यानी कि डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल होता है आपको बताना है किन किन कंडीशंस में समटाइम्स ट्रू इन अकाउंटिंग यानी कि कभी कभी सही होता है अकाउंटिंग के अंदर समटाइम्स रॉन्ग इन अकाउंटिंग ऑलवेज ट्रू इन अकाउंटिंग या फिर ट्रू अंडर स्पेशल सरकम चांसेस तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए ये हम सबको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के अंदर फॉलो किया जाता है और डबल एंट्री सिस्टम ये बात करता है कि हमारे जो ट्रांजेक्शन हैं वो टू ट्रांजेक्शन्स होंगे यानी कि uh, सभी डेबिट का क्रेडिट होगा और सभी क्रेडिट का डेबिट होगा यानी कि uh, कोई भी क्रेडिट या कोई भी डेबिट अकेले नहीं होगा ये दोनों एंट्रियां साथ होंगी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इसलिए ये ऑलवेज ट्रू इन अकाउंटिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा एवरी डेबिट हैज क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज डेबिट ठीक है ये बस कॉन्सेप्ट आप याद रखिए नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड डील अब इसमें से कौन सा ट्रेड डील नहीं है आपको वो बताना है अभी आपने क्वेश्चन किया था कॉमर्शियल एक्टिविटी का ये उसी से ही रिलेटेड है बस थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है ठीक है जैसे कि ये है वन लैक वर्थ ऑफ फर्नीचर परचेस्ड फॉर बिजनेस हिज सन्स फीस टू ट्वेंटी थाउजेंड पेट फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट एम्प्लॉज वर पेड फिफ्टी थाउजेंड परचेज गुड वर्थ सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज अब देखिये यहाँ पर ट्रेड डील की बात की जा रही है बता रही है हमें किसमें नहीं है तो देखिए उसने फर्नीचर खरीदा परचेस के लिए वो सॉरी फर्नीचर खरीदा उसने अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए डेली बिजनेस एक्टिविटी की बात है यानी ट्रेड की एम्प्लॉय को पेड कर रहा है ये भी बिज़नेस एक्टिविटी की बात है परचेस करा है उसने अपने बिजनेस के लिए आ, कोई भी माल पिछहत्तर हजार रुपए का ये भी बिजनेस एक्टिविटी की बात है अब यहाँ पे बताना है नहीं है तो देखिए यहाँ पर हमारा टू राइट आंसर हो जाएगा उसने अपने बच्चे की फीस दी है अपने पर्सनल अकाउंट से इसमें कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन टू हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अपलाइज टू डेबिट ग्रांटिंग क्रेडिट अब इसका जो लिखा सिद्धांत क्रेडिट लागू होता है वो कहाँ लागू होता है इन रियल अकाउंट इन पर्सनल अकाउंट इन कैश अकाउंट तो देखिए पाने वाला डेबिट और पैन सॉरी जो पाने वाला है डेबिट और देने वाला क्रेडिट है वो अगर हम बात करें नियम की तो वो लागू होता है हमारा पर्सनल अकाउंट में ये रूल हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर है Uh, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं तो प्लीज आप गोल्डन रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा अकाउंटिंग के ठीक है नेक्स्ट है अगेन उसी तरह का एक क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो अलग हैं ठीक है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड डील अब आपको ट्रेड डील अगेन बतानी है बॉट अ बॉट

पे की जा रही है फीस वो ट्रेड के द्वारा की जा रही है और यहाँ पे जो पे पे की जा रही है वो पर्सनल यूज से की जा रही है अब ट्रेड के द्वारा की जा रही है फीस तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सौदा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है वो उसने बिजनेस पर्पज से बिजनेस का जो भी अमाउंट था वहां के थ्रू उसका पेमेंट किया है जबकि दूसरे में उसने कहाँ से किया अपने पर्सनल अकाउंट से तो यहाँ पे अगेन राइट आंसर हो जाएगा थ्री और थ्री जो है वो ट्रेड डील नहीं है बाकी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ हमारे ऑप्शन ट्रेड डील के अंतर्गत आते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल अकाउंटिंग मीन्स अब डबल अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है आपको ये बताना है एवरी मर्चेंट ट्रांजेक्शन है ट्वाइस या फिर ऑल ऑफ दी अब तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है डबल अकाउंटिंग सिस्टम की मैंने अभी आपको बताया डबल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है डेबिट uh, और क्रेडिट दोनों जगह ट्रांजेक्शन uh, yeah, या फिर जो रिकॉर्डिंग होती है वो की जाती है तो यहाँ पे टू साइड्स वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा एवरी मर्चेंट ट्रांजेक्शन साइड इसको दो बार नहीं लिखा जाता दो बार अकाउंट नहीं क्रिएट किए जाते तो ये दोनों हमारे ऑप्शन गलत हैं तो ऑप्शन इलेवन वो सॉरी वन हमारा राइट right आंसर हो जाएगा तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे इस सीरीज के अंदर हम आपको चैप्टर बाइज सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं जिससे कि आपको अपने प्रिपरेशन करने में आसानी हो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स या शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताएगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ अब तक के लिए टेक केयर बाय बाय